वाले हो गए सब। टीचरों ने जब इसका आवाज़ उठाया, स्टूडेंट ने आवाज़ उठाया, तो गजब गजब कमेंट आ रहा है। कमेंट क्या आ रहा है कि भाई साहब जनसंख्या जिम्मेदार है, तो जनसंख्या जिम्मेदार है तो जनसंख्या हम कंट्रोल करेंगे, हम गाँव गाँव टार्च लेके घूम घूम समझाएं कि भाभी दुए गो लड़का हो तो मार के भगा देंगे सामरा के, तू कौन चीज होता है। इनसे कहिए ना मोदी जी से कि आप जैसे 370 हटा दिए बहुत अच्छा, हम सैल्यूट करते हैं कि आप जैसा दिलेर था जो 370 हटा दिया, जीएसटी कोई नहीं पा रहे, आप भी लाइए, दो मिनट में जाइए लाइए, जैसे नोटबंदी हुआ था रातों रात। कहिए मित्रों कल से नियम आ गया कि दो बच्चे से ज्यादा कोई नहीं हो सकता है, जिसका दो बच्चे से ज्यादा हुआ उठा के लेके चल जाएंगे फौज में, नाम पता भी नहीं बताएंगे। आप करिए ना, चाइना ने किया कि नहीं किया, कि खाली यहाँ के कमेंट करना, हम करेंगे जनसंख्या कंट्रोल, हमारे बस में कौन चाहिए कि हम जनसंख्या कंट्रोल कर देंगे, हम जाएंगे कोनो को समझाने, हमारा भगा देगा मास्टर हो पढ़ाओ, हमारा सिखाएगा कि जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगा। ये गवर्नमेंट का काम है जनसंख्या कंट्रोल करना। यहाँ पे इनके आदमी मोदी जी का इतना इज्जत है जिसका कोई हद नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या आप बोलिएगा कि हम लोग देसी नस्ल का कुत्ता पाले लोग, हद है भाई साहब। देसी नस्ल का कुत्ता 6 महीना बाद खौरा जाएगा, कोनो एने उन्ने मोहल्ला में घुस जाएगा कुतिया के चक्कर में, तो कोनो दूसर कुत्ता होकर काट देगा, तो एक और अब लगेगा झाड़ में। ये काम बचल है यहाँ तो भाई साहब, ऐसे ऐसे गरीब लड़के बैठे हैं कि जिनके दादा दादी के लिए बुढ़ापा में दवाई का पैसा नहीं है, वो कौन सी कुत्ता पालेगा। हम भगवान से भी कहते हैं, भगवान मौत को ना जल्दी भेजा कर गरीब के घर में, बेचारे के कफन का पैसा खर्च हो जाता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते।